हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ सभ्या कुक। इस सभ्या में आपका स्वागत है। फ्रेंड, मैं आज आपको छोला बड़े चने का छोला चाट बना के दिखाऊंगी और दही बड़ा चाट बना के दिखाऊंगी। आप देखिएगा फ्रेंड कि कितना जल्दी रेडी हो जाएगा। तो हमने देखिए ये क्या क्या रेडी किया है। तो फ्रेंड, मैंने 2 प्लेट छोला लिया है। मैं 2 लोगों के लिए चाट बनाऊंगी, छोला चाट। तो मैंने 2 प्लेट में बड़े चने का छोला लिया है बना करके। और फ्रेंड, मैंने ये 2 प्लेट में दही बड़ा चाट बनाने के लिए दही बड़ा कट करके लिया है। फ्रेंड, जो दही बड़ा बना करके मैंने पानी में उसको डुबोया था और सुखा करके कट करके रखा है, आप देख लीजिए। और मैंने ये नमकीन लिया है चाट के ऊपर से डालने के लिए। पापड़ी लिया है फ्रेंड, आप भी थोड़ा पापड़ी और ये ले लीजिएगा, नमकीन ले लीजिएगा ऊपर से। तो फ्रेंड, मैंने पापड़ी बनाने का जो तरीका है मैंने अपने चैनल पे अपलोड कर दिया है, अगर आपको सीखना हो तो सीख सकते हैं। तो ये पापड़ी मैंने खुद से घर पे बनाया है फ्रेंड, और ये नमकीन भी घर का बना है, लेकिन आप दुकान का भी ले सकते हैं, देख लीजिए। और फ्रेंड, इसमें देखिए क्या लेना पड़ेगा। पिसा हुआ जीरा है, तो आप अपने हिसाब से डालिएगा, आपको जितना खाना होगा भुना हुआ पिसा जीरा है। ये लाल मिर्च पाउडर सेका हुआ है, आपको जितना अगर लगे स्पाइसी खाना उस हिसाब से डालना होगा। ये काला नमक है, मैं अपने हिसाब से डालूंगी, आपको जितना लगता है उतना आप डाल सकते हैं, इसलिए मैंने इसका वो नहीं बताया है कि कितना कितना लगेगा, क्योंकि कोई नमक कम भी खाते हैं, कोई ज्यादा भी खाते हैं। ये देख लीजिए आप, और ये देखिए फ्रेंड क्या क्या लगेगा हमको। कटा हुआ टमाटर लगेगा, प्याज लगेगा। तो मैंने 2 प्लेट चाट बनाने के लिए, 4 प्लेट मतलब 2 दही बड़ा चाट और 2 प्लेट छोला चाट बनाने के लिए हमने 1 बड़ा टमाटर काटा है, 1 बड़ा प्याज काटा है, थोड़ा धनिया पत्ती लिया है और 1 हरी मिर्च लिया है। फ्रेंड देखिए, हमने ये नॉन स्टिक तवा चढ़ा दिया था, उसमें जीरा डाल के भून लिया है। अब हम 2 टिकिया तैयार करेंगे 2 प्लेट छोला चाट बनाने के लिए। तो ये हमारा टिकिया ये रेडी है, आलू की टिकिया है, और सिर्फ इसमें धनिया पत्ती नमक डाल के इसको टिकिया बनाया गया है फ्रेंड, और हल्का सा सरसों तेल लगाया गया। तो आप टिकिया बनाते समय सरसों तेल में ही सेकिएगा फ्रेंड। और टिकिया को फ्रेंड तेज आंच में ही आपको सेकना है ताकि ये कड़ा हो जाए। हाँ, जब तक टिकिया सीख रही फ्रेंड, तब तक मैं आपको दही बड़ा चाट बनाना सिखाती हूँ, आप देखिए। अब फ्रेंड हम इस पे पापड़ी डालेंगे, आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं, आपको कितना कम खाना है कितना ज्यादा लेना है। तो देखिए फ्रेंड, मैं पापड़ी डालूंगी इस पे। फ्रेंड देखिए, मैं इसमें 2 चम्मच नमकीन डाल रही हूँ दही बड़ा चाट में। अब मैं टमाटर डालूंगी इसमें, थोड़ा टमाटर ऐड करेंगे हम दही बड़ा चाट में। थोड़ा हम प्याज ऐड करेंगे, प्याज आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। अब हम इसमें धनिया पत्ती ऐड करेंगे, देखिए। अब थोड़ा जीरा पाउडर ऐड करेंगे, देख लीजिए आप, 1/2 चम्मच। अब हम काला नमक ऐड करेंगे, आपके जितना आपको खाना है कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब मैं थोड़ा लाल मिर्च ऐड करूँगी। हमने इमली की चटनी बना के रख लिया था, ज़्यादा मीठा नहीं करना है, खट्टा मीठा था ये। तो इसमें आपको दोनों चाट में इमली की चटनी लगेगी फ्रेंड, तो अब हम इसमें इमली की चटनी ऐड करेंगे, देखिए। और फ्रेंड इसमें हम अपने आवश्यकता अनुसार थोड़ा थोड़ा दही ऐड करेंगे, क्योंकि हमने बड़ा को पानी में भिगो के रखा था फ्रेंड। तो फ्रेंड्स ये देखिए, हमारा ये दही बड़ा चाट बन के रेडी है। बड़े तो क्या, बच्चे भी बना सकते हैं। आप इसको बना के जरूर ट्राई करिएगा फ्रेंड, बहुत जल्दी बन जाता है और खाने में बहुत टेस्टी लगता है, आप देख लीजिए। अब मैं छोला चाट बनाऊंगी। फ्रेंड्स ये देखिए, हमारा टिकिया सीख करके रेडी हो गया है। फ्रेंड देखिए, हमने ये छोले में टिकिया रख लिया है फ्रेंड। अब हम टिकिया को थोड़ा तोड़ देंगे, ढीला कर देंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे फ्रेंड पापड़ी, देखते जाइए। अब हम इसमें नमकीन ऐड करेंगे, देखिए फ्रेंड, आपको जितना लगे आप डाल सकते हैं। अब हम इसमें टमाटर ऐड करेंगे, देखिए। अब हम इसमें प्याज ऐड करेंगे, देखिए फ्रेंड्स। धनिया पत्ती ऐड करेंगे, हरी मिर्च अगर आपको लगता है तो ऐड कर सकते हैं। मैं थोड़ा काला नमक ऐड कर रही हूँ, मिर्ची हो गया फ्रेंड।